आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आप सब लोगों को आपके माध्यम से पूरे हमारे ज़िला के लोगों को मुबारकबाद देने के लिए ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। जैसा कि आपने दो दिन पहले डेली एक्सेलसियर की न्यूज़ देखी होगी कि हमारा कौंसिल जो है उसको एक साल पूरा होने को है, और लास्ट ईयर जो भारत सरकार ने हमारी जेके एडमिनिस्ट्रेशन यूटी के जो हमारे एलजी साहब हैं, जिन्होंने हमें डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के लिए यहाँ पर फंडिंग की थी, और वो फंडिंग थोड़ी लेट स्टेज में हुई थी, अप्रैल मई के बाद हुई थी, और उसके बाद नई नई कौंसिल थी तो बहुत सारे मीटिंगें करनी पड़ी, और नए नए एक्सपीरियंस थे, नए नए लोग थे सब, तो बार बार मीटिंगें करनी पड़ी, और फाइनली हमारा यहाँ का कैपेक्स का प्लान फाइनेंस डिपार्टमेंट को गया, और जब वहाँ से वो फाइनेंस से अप्रूव होकर यहाँ पर आया तो यहाँ पर हमारे कौंसिल जो है जिसमें 31 लोग हैं, हम 31 लोग हैं, और डिफरेंट सोच से आए हुए हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से आए हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ये सबका है, जिन लोगों ने हमें वोट किया है वो सब हमारे लोग हैं, और सब लोगों ने रल मिलकर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को पीछे छोड़कर यहाँ की भलाई के लिए, यहाँ के लोगों की सेवा के लिए रल मिलकर काम किया, और रिपीटेडली इसमें जो काम करने वाली एजेंसीज थी, चाहे उसमें JKPDCL था, चाहे हमारा जल जीवन था, चाहे हमारा रूरल डेवलपमेंट था, हमारा भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी था, या जितने भी डिपार्टमेंट फॉरेस्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट थे, सब लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया गया, और उसका रिजल्ट हमें आपने देखा कि दो दिन पहले यह आया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट ने पूरे यूटी में टॉप किया है। हमने 90% के आसपास अपने काम यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो कैपेक्स है उसमें हमने 90% तक जो है फंड का यूटिलाइज किया है, और आज बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि जब ये डाटा बाहर निकल के आया और हमारे डिस्ट्रिक्ट ने सब में टॉप किया है। हालांकि आपने देखा होगा कि हमारे जो बाकी वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें मैक्सिमम जो हैं वो प्लेन हैं, वहाँ पर काम करने का साधन जो है वो हमसे बहुत सारे ज़्यादा है। हमारा ये रिमोट और हिली डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर अभी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर सड़कों की कनेक्टिविटी नहीं है, मटेरियल वहाँ पे पहुँचाना बहुत डिफ़िकल्ट और टफ काम है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे एरियों में हमारे बर्फ़ पड़ती है, और वो बर्फ़ भी 4-5 महीने जो है यहाँ पे रहती है, और कुल मिला के हमारे पास 6-7 महीने काम के बचते हैं, लेकिन इन सारी चैलेंजों को उनका मुकाबला करते हुए हमारे जितने भी कौंसिल के लोग थे उन्होंने इसमें प्रयास किया, और हमारे जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे उसमें हमारे DC हैं, चाहे हमारे और जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब ने इसमें बढ़ चढ़ कर पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, और एक आपस में लाइजान बना रहा। जब भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा, DC साहब को कहा, तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज थी उनको बार बार यहाँ पर बुलाया गया। बहुत सारी जगहों पे हमें अपनी टेंडरिंग जो है उसको रीटेंडर करना पड़ा। हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि यहाँ पर हमारा जो युवा अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको भी इसमें इन्वॉल्व करने की बात थी, और उसके लिए हमने यहाँ पर बहुत सारे कंट्रैक्टर कार्ड्स जो है उनको, उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनमें कुछ थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन देकर बहुत सारे युवाओं को इसमें इन्वॉल्व किया, बहुत सारे लिखे पढ़े नौजवानों को इसमें जो है भागीदार बनाया, और उनके जब कार्ड्स तैयार हुए कंट्रैक्टर कार्ड, तो उन लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया,
और बहुत सारे काम जो है हमने उनको दिए। कई जगहों पर हमें दिक्कत आई कि कंट्रैक्टर्स ने बहुत सारे काम ले लिए और उसको कर नहीं पाए, तो हमने उसको दोबारा रिटेंडर किया, उन लोगों को पूछा और नए लोगों को उसमें जो है टेंडरिंग की। इसमें हमारे चाहे RDDD डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे और भी जितने डिपार्टमेंट के लोग थे, सब ने बड़ी मेहनत की, बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया और आज हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट ने पूरी स्टेट में टॉप किया है। मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में हम सब लोग यहाँ पर मिलके, जितने भी हमारे DDC के हमारे मेंबर हैं, उसमें हमारे BDC के जो चेयरमैन हैं वो भी हमारी कौंसिल के मेंबर हैं, हमारे जितने भी PRIs हैं, हमारी 237 पंचायतें हैं और उसमें 1500-1600 पंचेज और सरपंचेज उसमें आते हैं, तो उन सब लोगों को आज जो है मुबारकबाद देने का मौका है कि उन सब ने रल मिलकर इस काम, इस चैलेंज को अपने हाथ में लिया और आज हम ये कहने के लिए यहाँ पर अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमने 90% टारगेट को अचीव किया है। तो आने वाले समय में हमें लगता है कि जिस तरीके से हमने इस बार टॉप किया है और हमारा यहाँ पर आपस में जो लाइजान है वो बड़ा अच्छा रहा है, तो आने वाले अगले साल में भी हम इस चीज़ को और सुधारेंगे और इसको ठीक करेंगे। और जितने भी काम आज आप देख रहे हैं, आप जहाँ भी जाएंगे तो आज आपको विद ए डिफरेंस पंचायतें दिखेंगी, क्योंकि मोदी जी का जो एक नारा है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें सब लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तो आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हमें नंबर वन का देख रहे हैं। आज भी अधूरे काम पड़े हुए हैं, क्या लगता है कब तक वो सारे पूरे हो जाएंगे? और इसमें जो कैपेक्स बजट में जो पैसा लैप्स हुआ है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि हाल ही में डिपार्टमेंट ने कहा था कि डिपार्टमेंट FIR लगाई जाएगी, लेकिन आपने कहा था कि हुआ है, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि हमने इस हिसाब से अभी बातचीत की। पूरे फॉरेस्ट एरिया में जंगलों में आग लग रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है कोई भी FIR नहीं लगा रहा है और जगह जगह पे हर रूट पे आग पकड़ रही है। देखिए, ये तो ऊपर वाले का प्रकोप है कि आपने देखा कि पिछले 2-3 महीने से यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, पूरा ड्राट चल रहा है, ड्राई है, पूरी ज़मीन जो है सूख गई है। और यहाँ पर जो हमारा कायल फॉरेस्ट है उसमें बहुत दिक्कत होती है कि वो सारा जब उसका वो नीचे गिरता है तो वो खुद ही एक पेट्रोल से भी बड़ी एक पावरफुल चीज़ वो होती है और बड़ा नुकसान पहुँचाने वाली होती है। अब बदकिस्मती है कि हमारे लोग जो हैं वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट हैं। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं गुच्छी चुनने के लिए जंगलों में जाते थे, अब भी जाते होंगे, और वो अपने साथ अपना खाना वाना गर्म करने के लिए या कुछ और एक्टिविटी करने के लिए कहीं ना कहीं वो आग जलाते हैं, और एक रिस्पांसिबल तरीके से वो जब उस आग को बुझाते नहीं हैं तो उसका रिजल्ट है कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है जहाँ कहाँ जो आपने आग की बात की तो वहाँ आग लगी हुई है। लेकिन अब ये पॉसिबल किस हद तक है, रोड कनेक्टिविटी किस हद तक है, फॉरेस्ट वाले भी उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं और जहाँ तक संभव हो रहा है तो उसमें हमारे लोकल जो पॉपुलेशन जो उस एरिया के लोग हैं वो भी कोऑपरेट करते हैं, पर बदकिस्मती ये है कि बहुत सारी जगहों पे हम पहुंच नहीं पाते हैं। सर, इसके अलावा कल DC ऑफिस के बाहर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जहाँ पर लोग जो है लाइट की डिमांड करने आए थे और उन्होंने वो चीज हमें दिखाई जो हमने भी देखी थी, यानी लकड़ी जलाकर कैसे अंधेरे में वो लोग बैठते हैं, खाना खाते हैं। यही डिजिटल बनाने का सपना था मोदी जी का कि हर घर तक लाइट पहुंचेगी। क्या लगता है ये देसा से लेकर गंदो भलेसा के एरिया तक जो है बहुत सारी जगहों पे लाइट नहीं है, क्या लगता है कि आपको भी एक साल हो गया, क्या इन जगहों पे लाइट होगी? आपने कहा कि फास्ट रैंक हमने लिया, क्या इस चीज का फास्ट रैंक लिया आपने? देखिए, आपको पता है कि हमारा जो मैं पहले ही कहा कि हमारा बहुत ही रिमोट एरिया है और बहुत से दुर्गम रास्ते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट ने एक टेंडरिंग किया हुआ था जिसमें एक दो कंपनियाँ जो इसमें आई थी, एक रूरल में जो काम करते थे वो शलाका था और एक जो अर्बन में काम करता था वो ट्रांसरेल था, तो उन लोगों ने वहाँ पर बैठकर टेंडर दिया हुआ था
और उन्होंने सोचा था कि हमने जो है प्लेन में काम करना है, और जब उन्होंने यहाँ का वो देखा तो उसमें वो नहीं कर सके। लेकिन मैं हाल ही में 10-15 दिन पहले इनके जो MD हैं उनके साथ मिलके आया हूँ, तो उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से एक डायरेक्शन आई है कि वो काम जिस लेवल पर है उनको वहीं क्लोज कर दिया जाए, और वो इस अप्रैल में जो है उसको क्लोज कर देना है। उसके बाद एक नया जो नए रेट्स के मुताबिक यहाँ पर दोबारा फिर टेंडरिंग होगी, और उसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे पास काफ़ी सारी फंडिंग है, सिर्फ ज़रूरत है कि उसका जो रेट है उसको रिवाइज़ किया जाए, क्योंकि जो काम करने वाला है जिसने काफ़ी हाइट पर जाके पोल पहुंचाने हैं, तारें पहुंचानी हैं, तो उनको वो रेट जो है उसको बराबर हो जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब ये इन कंपनियों का जो कंट्रैक्ट है इसको बंद किया जाएगा और नई कंपनी को कंट्रैक्ट आज के रेटों के मुताबिक दिया जाएगा, तो ये जल्द से जल्द मुझे उम्मीद है कि हमारा जल्द ही ये कंट्रैक्ट जो है होने वाला है, डिपार्टमेंट इसके लिए तैयार हो रहा है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारे जो भी मोड़े बचे हैं, जो भी गांव बचे हैं, तो उनको जो है इलेक्ट्रिफाई किया जाएगा, वहां पर लाइट पहुंचाई है। GMC हॉस्पिटल का जो है हर दिन नया कोई ना कोई हंगामा वहां पे शुरू हो जाता है, पिछले एक साल से कभी आपने विजिट किया वहां पर देखने की कोशिश की कि किन हालतों से लोग वहां से गुजर रहे हैं और क्या क्या लोगों को समस्या आ रही है, कभी आप गए वहां पर इन एक साल के अंदर? बिल्कुल, मैं बहुत बार गया, कहीं एक बार नहीं गया, बहुत बार मैं वहां पे गया हूं। वहां पर जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, कोई बच्चों को अवेयरनेस की बात होती है या डॉक्टरों के साथ बात करने की बात होती है, तो हम वहाँ पे ज़रूर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं जब उनको कोई दिक्कत आती है, अभी आपने देखा कि आपके यहाँ बैठे बैठे यहाँ पर 5 मिनट पहले मुझे कोई डायलिसिस का पेशेंट फ़ोन कर रहा था कि वहाँ पर कोई इंजेक्शन उसको नहीं मिल रहा था, तो मैंने सुपरिटेंडेंट साहब के साथ बात की तो उनको अवेलेबल कराया जा रहा है। बाकी अब ये है कि थोड़ा बहुत ये जो है एज ए टीम काम करने की ज़रूरत है, आप लोग हैं, हम लोग हैं, हमारे PRIs हैं, सबको इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी UT के लिए स्पेशली एक रंक से लेकर एक राजा तक, एक गरीब से गरीब आदमी से लेकर और एक जो टॉप क्लास का हमारा LG तक लोग हैं, उन सब का 5 लाख का जो है इंश्योरेंस होता है, और उसमें बहुत सारे जो है बेनिफिट्स लोगों को मिले हैं। तो हम चाहेंगे कि ज़रूरत है काम करने की, कि सब लोग एज ए टीम यहाँ पर काम करें और वो जो सरकार की तरफ से जो फायदे हैं वो आम आदमी तक पहुँचे, आम जनमानस तक पहुँचे, और वो जो है